अगर आप भी एक बजट फ्रेंडली होम थिएटर को खरीदने की तलाश में थे तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आए हैं इंटेक्स के 2.1 DG2100 आपके होम थिएटर सिस्टम का। इसके अंदर जो है दोस्तों आपको बढ़िया क्वालिटी की साउंड मिल जाएगी। 40 वॉट तक का जो है दोस्तों इसमें आपको साउंड सिस्टम मिलने वाला है। दो जो स्पीकर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हो दोनों तरफ लगे हुए हैं। ये जो है आपके रहने वाले हैं 10 वॉट के, एक स्पीकर आपका 10 वॉट का रहेगा, यानी कि टोटल जो है आपका आउटपुट हो गया 20 वॉट। और जो मेन यूनिट आप देख रहे हो ये बेस वाला, इसके अंदर भी आपको 20 वॉट का जो है आउटपुट मिलने वाला है। तो इसके अंदर जो है दोस्तों करीबन 4 इंच का जो है आपको एक छोटा सा बेस जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि आप बूफर जो है, सब बूफर जिसको आप कहते हो वो आप कह सकते हो उसे, क्योंकि इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। बाकी सामने जो है लुक किस तरीके का है वो तो आप सामने देख ही सकते हो। इसमें आपको RGB की लाइट्स भी मिल जाती हैं। और इसके अंदर अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर्स के लिए यहाँ पर आपको 5.1 जो कि लेटेस्ट वर्जन आपको ब्लूटूथ है वो आपको मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से जो है वायरलेसली कनेक्ट कर सकें अपने स्मार्टफोन के साथ या अपने टेलीविजन के साथ, जिससे आपको साउंड सिस्टम जो है, आपको एक्सपीरियंस जो है वो एक अच्छा मिलने वाला है। यही नहीं, इसमें जो है आपको AUX यानी कि ऑक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ताकि आप अपने स्मार्टफोन के साथ या अपने सेटअप बॉक्स के साथ ऑक्स केबल कनेक्ट करके भी साउंड आउटपुट ले सके। तो काफ़ी जो है अच्छा खासा सिस्टम इसमें मिलने वाला है। बाकी FM कनेक्टिविटी है, पेनड्राइव USB का ऑप्शन मिल जाएगा, करके पेनड्राइव में कोई गाने हैं तो उसे भी आप आसानी से सुन सकते हो यहाँ पर, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से इसका एक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग देखने के बाद एक छोटा सा साउंड टेस्ट देखेंगे। बाकी साउंड टेस्ट के लिए बताना चाहूँगा कि आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो नेचुरली वे में आपको, जब आपके सामने कोई चीज़ मौजूद होगी तो उससे आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो एक अलग ही होगा। कैमरा है या हमारा जो माइक है या फिर आपका जो यूट्यूब है, वो आपको चीज़ जो है नहीं सुना सकता, क्योंकि जो है वीडियोस काफ़ी कंप्रेस होने के बाद जो है आगे पब्लिश होती है। तो जो एक्चुअल जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों, वो तो आपको लोकल शॉप पर जाके पता चलेगी, अगर आप किसी शॉप के पास जाते हैं परचेज करने के लिए। बाकी इसको ऑनलाइन परचेज करने के लिए फिलहाल फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जहाँ से इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं दोस्तों, इसको फटाफट से जो है अनबॉक्स कर लेते हैं। जो कि आपका फ्रंट व्यू जो है कुछ इस तरह का रहने वाला है इस बॉक्स में। यहाँ पर आपको इसके जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो मेंशन की हुई है, जैसे कि इसके अंदर आपको वर्जन जो है 5.1 का ब्लूटूथ सिस्टम मिल जाएगा और ऑक्स का इनपुट मिल जाएगा, रिमोट आपको इसके अंदर मिलने वाला है और FM रेडियो का भी सपोर्ट मिलेगा। और इसके अंदर आपको USB अवेलेबिलिटी भी है, यानी कि पेनड्राइव में जो भी आपके सॉन्ग होंगे वो भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। कुछ इस तरह का जो है आपको यहाँ पर यूनिट है जो है देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट से हम अपने कटर के साथ इसकी शुभारंभ करते हैं और इसको हम यहाँ से ऊपर से करेंगे कट कुछ इस तरह से। और कट करने के बाद देखते हैं कि हमें जो है प्रोडक्ट किस तरह से हमें मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने इसको ओपन कर लिया है, ओपन करने के साथ यहाँ पर जो कुछ इस तरह का व्यू पैकिंग में आपको देखने को मिलेगा। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो पैकिंग जो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से करके भेजी है। और मेरा जो है इंटेक्स पर शुरू से भरोसा रहा है, क्योंकि मेरे पास इनका कई सालों पुराना भी एक सिस्टम सेम ही डिज़ाइन में सिल्वर कलर का जो आता था वो अवेलेबल है, लेकिन वो ख़राब होने की वजह से मुझे नया मंगवाना पड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या क्या मिला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो मिलने वाला है वो है एक इसकी आपको ऑक्स केबल, जिससे आप जो है अपने इसको स्मार्टफोन में कनेक्ट करके गाने सुन सकें। क्वालिटी जो है वो केबल की काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा यहाँ पर जो है कंपनी आपको छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा रिमोट देती है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस तरह से। और रिमोट में जो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं उसको आप सामने देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है क्विक पावर का बटन जो है वो मिल जाएगा, म्यूट मोड आपको ऑप्शन मिल जाएगा और म्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर जो है आप जो है आगे पीछे कर सकते हैं गानों को चेंज करने के लिए, वो ऑप्शन मिल जाएगा वॉल्यूम आगे पीछे करने के लिए, कम ऊपर ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा स्कैनिंग का ऑप्शन है, रिपीट का है, पोस्ट प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ नंबर ऑप्शन मिल जाएंगे और इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो एक कमी हमें महसूस हुई है वो ये है कि ना तो आपको बेस का ऑप्शन मिलने वाला है, ना ट्रेबल को यहाँ पर मैनेज करने का या उसको कम ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये जो है एक चीज़ की कमी है जो कि इसके रिमोट कंट्रोल में नहीं मिलती। बाकी इसके सिस्टम में जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन रिमोट में जो है आपको बेस को कंट्रोल करने की और ट्रेबल को कंट्रोल करने का फंक्शन नहीं मिलता। अब यहाँ पर हम जो है बात कर लेते हैं अपने दो और छोटे यूनिट्स के बारे में जो कि हमारे आएंगे स्पीकर्स। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है पैकिंग करके कंपनी ने जो है हमें स्पीकर्स को यहाँ पर भेजा है। तो यहाँ पर इसको मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो सामने छोटे से प्यारे से क्यूट से जो स्पीकर हैं दोस्तों वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं।
और कुछ इस तरह से जो है बैक्स प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको जो है वॉल माउंट करने का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से 1 मीटर के आसपास जो है इसकी लेंथ होगी, जो कि आप अपने होम थिएटर सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो कुछ इसी तरीके के जो स्पीकर है दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों इससे जो हमारा मेन यूनिट आ जाता है बूफर वाला सिस्टम, वो आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। तो कुछ इस तरह से जो दोस्तों आपका जो मेन यूनिट है वो आपको मिलता है यहाँ पर। और इसको हम कर देते हैं साइड में, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरह से जो है होम थिएटर सिस्टम मिलने वाला है। तो छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा जो है सिस्टम दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है आपका। सामने जो है दोस्तों लेमिनेशन कुछ इस तरह से लगी हुई है। यहाँ पर आपको जो है साउंड का सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटेक्स की ब्रांडिंग। यहाँ पर आपको जो है आयर सेंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ दोस्तों मोड्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस स्कैन का मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, और आगे पीछे करने के लिए सॉन्ग्स को चेंज करने के बटन मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको बेस का और वॉल्यूम का जो है यहाँ पर एक डेडिकेटेड कंट्रोल करने का जो है एक बटन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है RGB लाइट्स मिल जाएंगी ब्लू कलर की, कुछ इस तरह से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी बैक प्रोफाइल में बात करें तो बैक प्रोफाइल में आप देख सकते हो दोस्तों, तो दोस्तों बैक प्रोफाइल में आपको जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल जाएगी स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए और ऑक्स को कनेक्ट करने के लिए। पीछे आपको मेन पावर का ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये आप जो है आपको एंटीना मिल जाएगा रेडियो के लिए। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके का जो सिस्टम आपको मिलने वाला है, तो चलिए इसको कहीं ऊपर कनेक्ट करके आपको उसकी साउंड टेस्ट करा देते हैं। तो चलिए दोस्तों साउंड टेस्ट कर लेते हैं इसका NCS सॉन्ग को प्ले करके, और देखते हैं कि साउंड कैसी है इसकी। तो मैंने जो है यहाँ से वॉल्यूम और बेस को दोनों को ही फुल कर दिया है, और अब जो है हम जो भी अपनी ऑडियो को कंट्रोल करेंगे वो अपने स्मार्टफोन से करेंगे। तो मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया अपने स्मार्टफोन के साथ, और यूट्यूब पर जो है मैं आपको NCS सॉन्ग पर प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से हम प्ले कर लेते हैं और साउंड टेस्ट करते हैं। देखो दोस्तों एक्चुअल साउंड टेस्ट जो है वो आपको तो अपने कानों से सुनने को मिलेगी, मैं जो हूँ आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा कि भाई कितनी साउंड इसके अच्छी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। दोस्तों कुछ इस तरीके की साउंड जो है वो हमें सुनने को मिली है। बेस की बात करें तो बेस में आपको थोड़ा सा जो है जान ज़्यादा महसूस नहीं होगी, क्योंकि 2.1 है, तो दोस्तों 2.1 के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको बेस सुनाने वाला है। और आप देख सकते हो कि जो साइज़ है वो छोटा है, बूफर जो है इसके अंदर वो 4 जो है इंच का लगा हुआ है, तो ओबियसली साउंड जो है वो आपको इतनी प्रोड्यूस करके नहीं दे पाऊंगा बेस की। लेकिन ओवरऑल जो है दोस्तों बढ़िया प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आपके रूम साइज काफ़ी छोटा है और या फिर अपनी शॉप के लिए जो भी छोटी शॉप होती है उसके लिए आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस रहेगी। लेकिन अगर आपके रूम का साइज बड़ा है या आप हॉल में जो है पार्टी साउंड सुनने के लिए इसको लेना चाहते हैं, फिर उसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आपको जो है उसके लिए 5.1 साउंड का सिस्टम लेना पड़ेगा, या फिर आपको टावर स्पीकर्स लेने चाहिए, तो वो दोस्तों सिस्टम अलग ही हो जाता है। लेकिन इसका जो है आपको छोटे रूम साइज के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और कोई सॉन्ग जो है वो भी आपको मैं सुना देता हूँ कोई टेस्ट करके।